क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सीकी वाराणसी लाइव पर। निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सन्मान, ते के कारण सकल सो सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार, सितारों के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रसाद दीक्षित। मनुष्य का संपूर्ण जीवन ग्रहों पर आधारित है। ग्रह हमारे जीवन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो क्यों न हम ग्रहों के अनुसार चलें और अपने जीवन में चार चांद लगाएं। हर छोटी से छोटी घटना हो या बड़ी से बड़ी घटना हो, इसके पीछे साक्षात ग्रह ही विद्यमान है। किसी का कल का दिन बहुत अच्छा बीता था, आज सामान्य है और शायद आने वाला दिन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह चंद्र कुंडली के प्रभाव से होता है, जिसको कहते हैं गोचर चक्र। जो गोचर चक्र होता है, इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता है। क्यों? कि 12 राशियों से ही कुंडली का निर्माण हुआ है। ये जो राशियां हैं, इस एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन तक रहता है, यानी 2.25 नक्षत्र तक। 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें से 2.25 नक्षत्र में चंद्रमा एक बार परिक्रमा पूरी कर देता है। चंद्रमा का प्रभाव इसलिए मानव के जीवन पर अत्यधिक पड़ता है। क्यों? चंद्रमा मन का कारक है और जल तत्व है। जो हमारा शरीर बना है, इसमें जल तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए चंद्र का प्रभाव अति शीघ्र हमारे जीवन पर, मस्तिष्क पर पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पूर्णिमा के दिन जिन लोग का चंद्रमा खराब होता है, वह विशेष रूप से प्रभावित हो जाते हैं। पूर्णिमा के प्रभाव से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन ही ज्यादातर लोग आत्महत्या। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है। अब हम प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे, किस राशि में कौन सा ग्रह रहने से आपको लाभ होता है या नुकसान होता है। प्रश्न हम ले रहे हैं और प्लस भी नंबर हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, नंबर भी आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान अवश्य भेज दें, ताकि मैं शीघ्र आपको उत्तर दे सकूं। पलन है अमर कान, पंडित जी विवाह का योग कब तक, क्या कुंडली मंगली है? अमरनाथ जी, आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट है कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है और जन्म राशि आपकी मिथुन है। आप अत्यंत भाव सहृदय लोगों के लिए मददगार स्वाभिमानी शनै शनै उन्नति करने वाले। यद्यपि जन्म कुंडली आपकी मंगली अवश्य है, किंतु घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है कि मंगल की 7 वर्षीय
महादशा काल 99 वर्ष 6 महीने 18 दिन पर प्रारंभ होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वह भी समझे कि तो मंगला होना कोई अभी प्राय ऐसा नहीं है कि आप उससे दुखी हो, आप उससे परेशान हो। मंगला होने का यह अभिप्राय कदापि न समझे कि कुंडली आपकी खराब हो गई। दुनिया में जितने भी नामचीन लोग हैं उसमें अधिकतर मंगले लोग ही होते हैं। ग्रहों में मंगल का आधिपत्य है सेनापति पद पर। यदि आपकी कुंडली में सेनापति मजबूत होगा तो जीवन उत्तम होगा। मंगल हिंसा, क्रोध, एक्सीडेंट, चोट चपेट का प्रमुख कारण भी माना गया है। दूषित मंगल सदैव ऑपरेशन भी कराता है, इसके लिए मंगल की शांति भी करनी चाहिए। इस कुंडली में जब आप 99 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे तब मंगल की 7 वर्षीय महादशा काल लगेगी। इसलिए विवाह में मंगली कन्या की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मंगली कन्या मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपकी जीवन में 99 वर्ष के बाद लगने वाली है। यदि मंगल का प्रभाव 99 वर्ष के बाद पड़ेगा तो क्या मतलब है कि मंगली कन्या ही खोगे। विवाह का योग कब है? 6 नवंबर 2023 से 7 मार्च 2024 के बीच इस काल में ही शादी का हो जाना शत प्रतिशत सुनिश्चित है। इसलिए निराश ना हो, घबराए ना, बेचैन ना हो, आपका काल अवश्य सिद्ध होगा। अब बारी आती अगली कुंडली की। रामेश्वर प्रसाद पंडित जी हेल्थ काफी खराब रहता है, क्या करें, मेरी राशि क्या है। रामेश्वर प्रसाद जी आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट है कि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है। जिरा बरस में माये तुलक मिजाजी प्रकृति के धनी रहेंगे। स्वास्थ्य के घर में राहु और बुध बैठे हैं जो आपको हड्डी और पेट की समस्या से ग्रसित किए हुए हैं, क्या करें, लाभ मिले। 9.5 रात्रि तक गोमेद लेने और उसे चांदी में मढ़ाकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लें, इससे राहु ठीक हो जाएगा। हरा गंडा अर्थात धागा दाहिने हाथ में बुधवार के दिन धारण कर लें, इससे बुध ठीक हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। कुंडली में आपके राज योग भी है। राशि तो आपने पूछा तो मैंने बताई दिया कि मकर राशि है, सिंह लग्न मकर राशि, दो उपाय करें आपके जीवन में चार चांद। अगला प्रश्न देते हैं, नंदिनी कुशवाहा पंडित जी शिक्षा का योग कैसा है, शिक्षा के बाद विवाह का योग कैसा रहेगा, भविष्य में संतान सुख कैसा होगा। अच्छी बात है, सब प्रश्न आपने पूछ लिया जो महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए है। तो आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट है कि आपका जन्म वृष लग्न में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है। उच्च महत्वाकांक्षी, निरंतर योजनाएं बनाना और उसे स्वयं खंडित करने वाली रहेंगी। धन, वैभव, सुख, समृद्धि और शांति का प्रबल योग बनेगा।
संन्यास में जरूरत नहीं है। उत्तम शिक्षा का योग यद्यपि बृहस्पति 3 डिग्री का है, थोड़ा कमजोर है, इसलिए सूखी खड़ी हल्दी ले लें गांठ वाली और उसमें पीला धागा बांध कर गले में या कमर में बृहस्पति वार के दिन धारण करें, संभव हो तो बृहस्पति मंत्र का भी प्रयोग करें। इस प्रकार ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप किया करें तो लाभ मिलता रहेगा। शिक्षा में जो भी चाहिए और डाल नहीं है वह और खत्म हो जाएगा, आप आराम से शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे, बृहस्पति मजबूत होगा। भविष्य में उत्तम विवाह, उत्तम संतान, धन, वैभव, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि का संपूर्ण योग है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान देने की जरूरत है कि आपको किस प्रकार लाभ प्राप्त हो, और निश्चित लाभ भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, प्रियंका जायसवाल, पंडित जी विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्या कारण है? अच्छी बात है, निराश होने की जरूरत नहीं है, पंचम भाव संतान का अवतार भी देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली से स्पष्ट कि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है और जन्म राशि आपकी मिथुन है। आप स्वयं लोगों के लिए मददगार, अत्यंत भाव, धन संपदा से युक्त रहेंगे, किंतु संतान सुख में नीच का राहु के साथ शनि बैठा, यानी कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव जो होता है वह संतान का होता है, यह घर दूषित है। जब भी संतान भाव में पापक ग्रह बैठे होंगे, एक से ज्यादा बैठे तो जल्दी संतान नहीं होता है। 6 वर्ष शादी हो गई है और संतान अभी तक नहीं हुआ है, किंतु जान ले नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में आपको संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। यह बात इतना ही सत्य है जिस प्रकार सूर्य का पूर्व दिशा से निकलना सुनिश्चित है। बस छोटा सा उपाय कर लें, शिव पुराण का पाठ करें या शिव पुराण का श्रवण करें, श्रवण मैंने सुनना, यूट्यूब में, टीवी में कहीं लगा दें यूट्यूब, और उसका श्रवण करें, सुन लें या पढ़ लें। पढ़ने से भी 100% लाभ प्राप्त होगा, ये जान लें, निश्चित लाभ मिलेगा। धन, वाहन, भूमि, भवन सभी प्रकार का सुख का मिलना भी 100% सुनिश्चित। अब बारी आती है अगले प्रश्न की, देवकी नंदन पटेल, पंडित जी स्वास्थ्य खराब रखा है, उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं क्या? यद्यपि मेरी उम्र अभी 62 वर्ष की है, कुंडली में देखे यदि कोई पूजा पाठ इत्यादि हो तो अवश्य दिशा निर्देश देवकी नंदन जी, आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट कि आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, जन्म राशि आपकी मेष है, यानी लग्न का स्वामी शनि है और राशि का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल के आपस में कदापि बनती नहीं है। यहां क्या स्थिति है कि कुंडली में दोनों ही ग्रह निर्बल है और कुंडली के अष्टम भाव मृत्यु स्थान में मंगल बैठा है और रोग स्थान में शनि बैठा है। इस कारण से
स्वास्थ्य की हानि निरंतर बनी हुई है, नुकसान का प्रबल योग बना हुआ है। क्या करें कि आपके जीवन में चार चांद लगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं नहीं सर्वोत्तम हो जाए। दोनों पापक ग्रह मंगल और शनि की वैदिक ढंग से शांति कराकर दोनों का संयुक्त यज्ञ सदैव धारण करें, या अपने पसीने वाले कपड़े में रख दें। ऐसा करने से निस्संदेह लाभ प्राप्त होगा, वह सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। स्वास्थ्य, धन, संपदा, वाहन, भूमि, भवन, सभी प्रकार का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। श्रीनाथ उपाध्याय पंडित जी, विवाह के बाद दाम्पत्य सुख का नाम मिलना यही जीवन में है। विवाह को 4 वर्ष पूर्ण हो गए, किंतु पत्नी से सदैव वैचारिक मतभेद रहता है, क्या इसका भी कोई निदान होता है? आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट है या आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है और आपकी राशि है वृश्चिक। कर्क लग्न और वृश्चिक राशि में जाए तो जान लें कि चंद्रमा लग्नेश होते हुए नीच का हो जाता है। चंद्रमा सुख देता है, वैभव देता है, समृद्धि देता है, आचार विचार ठीक रखता है। जब वही चंद्रमा नीच का हो जाता है तो जिंदगी में कुछ अनहोनी घटनाएं घटित होने लगती। यही स्थिति प्रस्तुत कुंडली में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। अब क्या करें और क्या ना करें? नीच के चंद्रमा की वैदिक ढंग से शांति कराकर चंद्र यंत्र सदैव गले में या कमर में धारण करें। इसके साथ ही पत्नी को 5 रति तक मोती चांदी में मढ़ाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में सोमवार के दिन धारण करा दे। संभव हो तो चंद्र मंत्र का भी जब पति पत्नी किया करें। वह भी इस प्रकार हो सोम सुमाय नमः। इस मंत्र के जाप से सर्वाधिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। सुख समृद्धि के साधन बनते रहेंगे, इसे निराश न हो, उपाय करें। अब हम द्वादश राशियों का राशिफल लेंगे। किसकी रहेगी चांदी, किसे होगा नुकसान, जिसे होगा नुकसान उसे किस प्रकार मिलेगा लाभ, तो आइए द्वादश राशि के राशिफल में सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले, आपके दोनों हाथों में लड्डू रहने वाला है। इस सप्ताह किसी भी दिशा में जाएंगे आपको प्रचुर मात्रा में लाभ का मिलना सुनिश्चित है। मंगल और राहु अनुकूल बने हुए हैं। संभव हो तो मंगल के लिए गुड़ गाय को खिला के निकले या फिर गाय माता के निमित्त कहीं मंदिर में ही दान कर दे। गाय उपलब्ध न हो, कहीं ना मिले तो मंदिर में भी गुड़ आप चढ़ा सकते हैं, इससे सर्वाधिक लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी में कुछ निवेश करना चाहते हो अवश्य करें, लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि वाले खोई हुई प्रतिष्ठा वापिस मिलने वाली है। वाहन का सुख मिलेगा, सट्टा और लाटरी से आय बढ़ेगा, यानी कहीं रिस्क लेते हैं तो उसमें अवश्य सफल होंगे।
शेयर से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा आपका अनुकूल बना हुआ है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और उत्तर दिशा में अत्यधिक यात्रा करें तो लाभ मिलेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले चारों दिशाओं से लाभ मिलेगा, जिसमें पूर्व दिशा से सर्वाधिक लाभ मिलेगा। सूर्य अनुकूल बने हुए हैं, संभव हो तो लाल टीका लगाकर घर से निकले तो सारे कार्य सिद्ध होंगे, पूर्व दिशा से लाभ अवश्य मिलेगा, बकाये रकम की प्राप्ति भी अवश्य होगी, इसलिए प्रयास जारी रखें। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले इस सप्ताह प्रतियोगिता में सफलता का पूर्ण योग है, इसलिए आप ध्यान दें, एकाग्रचित रहें और कार्य आपका अवश्य सफल होगा, इसलिए निरंतर भ्रमशील रहें। अधिकारी आपको नौकरी देने वाले हैं, इसलिए महादेव का ध्यान करें, कल्याण अवश्य होगा। अब पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह इज किंग। आपके जीवन में चार चांद लगने वाला है, सिंह इज किंग की स्थिति रहेगी, यानी जो भी करेंगे उसमें आप अवश्य सफल हो जाएंगे, इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप पीयू रचना में सिद्धस्त हैं, प्लानिंग मेकर हैं, सारे कार्य आप सिद्ध अवश्य कर लेंगे, इससे घबराए नहीं, बेचैन ना हो, कार्य सिद्धि की ओर अग्रसर रहें। और यात्रा निशाचन से लाभ प्राप्त करेंगे, बच्चों की उन्नति होने वाली है, बच्चों की सर्विस लग जाएगी, इसलिए कदाप निराश ना। अब बात आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले आपको पूर्व और पश्चिम दिशा से लाभ मिलेगा, धन वाहन भूमि भवन का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा, गणेश जी की कृपा आप पे बनी रही है। ओम गणपते नमः इस मंत्र का सदैव जाप करते रहें। अब बारी आती है तुला राशि। तुला राशि वाले मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, क्या करें क्या ना करें, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, इसलिए निर्णय पूर्ण कार्य करें, जो काम करना उसको कर डाले जाएगा ना सोचे। और सफेद पुष्प देवी दुर्गा जी के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दे, क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं है, इसलिए आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, जब शुक्र अच्छा हो जाएंगे तो आपको लाभ की स्थिति मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में आपकी राशि का स्वामी ही शुक्र है। शुक्र वैभव देते हैं, धन देते हैं, वाहन का सुख देते हैं, तो शुक्र को मजबूत कर ले तो लाभ मिलेगा। अब बारी आती है वृश्चिक राशि। चारों दिशा से लाभ मिलेगा, वाहन से सुख मिलेगा, मंगल मंत्र का जाप करें। ओम अंग अंगार खाए। नवी राशि धनु राशि। दोनों हाथों में आपके लड्डू है, सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं, महादेव का आशीर्वाद लीजिए, नौकरी तो पक्की हो रही है आपकी, और यह नौकरी दिन काल तक चलेगी, लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। दसवीं राशि मकर राशि। वाहन से सुख मिलेगा, पश्चिम उत्तर दिशा से लाभ मिलेगा, शनि मंत्र का जाप करें। ओम शं शं चिराय नमः सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले आपको चारों दिशाओं से लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, आप जो है दुर्वा ले लें और भगवान श्री गणेश को गणेश मंत्र के साथ चढ़ावे। ओम गंगम हे नमः लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले आपके लिए सोने का सुहागा होने वाला है, सारे कार्य सिद्ध होंगे,
महादेव का आशीर्वाद लीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। कहते हर समय की कोई न कोई सीमा होती है, इसी सीमा से मैं यहां बता हुआ हूं। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए वाराणसी लाइव के साथ। जय श्री राम, जय जय हनुमान। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर।